दोस्तों फिल्म रोबोट 2.0 का टीजर देखने के बाद सभी के मन में कुछ सस्पेंस आ गए हैं और भी ज्यादा उत्सुकता फिल्म के लिए बढ़ गई है। इस शानदार टीजर को दर्शकों ने काफी ज्यादा बार देखा और नए नए कीर्तिमान भी रचे, लेकिन दोस्तों किसी को ये समझ में नहीं आया कि फिल्म में आखिर विलन कौन होगा। फिल्म के टीजर आने से पहले ही अफवाहों की बाजार गर्म था कि अक्षय कुमार को ग्रे शेड में दिखाया जाएगा और वो विनाशकारी यानी कि मानव जाति को मारने वाले एक गुंडे बनेंगे या फिर महाविलन बनेंगे। लेकिन दोस्तों टीजर आने के बाद में लोगों की राय बदल चुकी है। अब यहाँ पर अक्षय कुमार को देवता कहा जा रहा है पंछियों के लिए, जो कि उनके पोस्टर में भी लिखा था कि पंछियों के लिए ये सुपरस्टार है। भले ही वो मानव जाति को तबाह करना चाहता हो, लेकिन वो पंछियों के लिए लड़ेगा। तो दोस्तों अक्षय कुमार इसमें एक लीड विलन के तौर पर नजर आएंगे या नहीं, ये सस्पेंस सबके सामने आता है। और साथ ही टीजर के आखिरी में चिट्ठी का वही पुराना रूप देखने को मिला जो कि फिल्म रोबोट के आखिरी में था। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि फिल्म का लीड विलन कौन होगा, खुद रजनीकांत या फिर अक्षय कुमार। क्या रजनीकांत ही फिल्म के हीरो और एंटी हीरो होंगे, तो फिर अक्षय कुमार का क्या किरदार होगा। ऐसे कई सवाल है जो मन में घेरे बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस सस्पेंस का हल क्या निकलेगा, कौन होगा फिल्म का विलन और क्या होगा अक्षय कुमार का रोल? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें देखो देखो ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।